हरिओम, नमो नमः, सुप्रभातम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं तनुजा जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल तनुजा जोशी पहाड़ी ब्लॉग में। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं आज सुबह 11 बजे से। और आज हमारे मेहमान जाने वाले हैं। हमारा शोला भी जा रहा है आज। हमारा शोला जा रहा है आज हल्द्वानी को, है ना बबी? तो आज इनकी विदाई दिखाती हूँ मैं आपको कि ये लोग जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं हमारे मेहमान। आज हम ही लोग रह जाएंगे घर पे। आज बहुत बुरा लग रहा है कि सब लोग जा रहे हैं। ये भी जा रहा है हमारी शोना, इतने दिनों के बाद मिला था, फिर जा रहा है ये। पता नहीं कब मिलेंगे हम इससे। अब 2-3 महीने के बाद मिलेंगे इससे। मैं जाऊँगी बब्बी के पास हिमाचल। ये देखिए, खुश हो रखिए। ये सब लोग तैयारी होने लगी जाने की। ये गाड़ी में रख दिया सामान। देखिए इतना सामान है कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कहाँ क्या है। ताऊ भी रेडी हो गए हैं जाने के लिए, और वो ताई भी सब सामान पैक कर रहे गाड़ी में, सेट कर रहे, क्योंकि इतना सामान हो गया कि गाड़ी भी छोटी होगी। ये ताऊ बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखिए, ये बब्बू भी तैयार है, दीदी भी तैयार है, सब तैयार हो गए हैं, सब जा रहे हैं। ये देखिए, ये गिरिजा की गाड़ी की है यहाँ से, लेकिन सामान इतना हो गया कि गिरिजा कह रहे कि आप ट्रक मंगवा लेना अपने लिए। ये देखिए, सामान एडजस्ट कर रहे हैं, कैसे जाएगा इतना सामान। ये घर से जा रहे हैं तो पता ही है कि पहाड़ से जाने में लोग फिर ले जाते, जैसे बोलते हैं कि ये लाना वो लाना, ऐसे यहाँ भी हो रहा है कि ये सब पहाड़ का ले जा रहे हैं। चावल, दाई, भट, बड़ी, जो जो होती हैं, सब ले जा रहे हैं आज भर भर के। और गाड़ी ओवरफ्लो हो गई है, ओवरलोड हो गई है गिरदा की गाड़ी आज। ये देखिए, इतनी छोटी छत है। ये दुल्हन जाने वाली है अपने सरास को, दुर्गुण के लिए आई थी। अब इसको गेट आउट कर रहे हैं यहाँ से। ये देखो इसको, ये गुली को छोड़ आते हैं। ये जा रही है सरास को, देखो खुशी, देखो इसको खुशी। हम कहा डांट उड़े हैं और खुश हरे हो। दोबारा को ब्लॉग ब्लॉग बन रहा है, खबरदार के सुनो देवो, बहुत गीता भी जा रही है। आज घर हो गया खाली, सब जा रहे हैं। अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, अभी योगिता लोग जा रहे हैं, अभी आई नहीं है। रिसलाट करती है, पीछे कोई जाती है, अभी आई नहीं है, पता नहीं कहाँ है। बोजी भी यहाँ से देख रही है, योगिता जा रही है उसको। ये देखिए, यहाँ पर दिख रही है थोड़ी सी, ये यहाँ से देख रही है बोजी भी। ये आ गई है योगिता जाने के लिए। खुशी देखिए इसके चेहरे पे, ये खुशी देखिए, खुशी। ये सब आली तू जान से। तो तू ले आन। ये चलेगी योगू भी। छोड़ के आ गए हैं सब, पहुंचा के आ गए मेहमानों को। अब जा रहे हैं घर को। ये देखिए, सबकी आंखें हो गई हैं नम, आज नहीं हुई है उतनी, शादी के दिन हो रखी थी। ये देखिए घर में कितनी सुनसानी हो गई है, पूरा खाली हो गया आज। सब चले गए हैं मेहमान हमारे, सब चले गए घर, सुनसान हो गई। ये देखिए, ये लोग आ गए हैं अभी महिला मंगल दल की मीटिंग से। तो हम लोगों ने विदाई हिदाई की तो ये लोग मीटिंग में चले गए थे। तो अभी महिला मंगल दल में ढोलकी और मजीरे मिले थे, हमारे गांव में मिले नहीं थे वो। अब आज हमारे गांव के लिए भी, हमारे बखाई के लिए भी आएगा एक। ये देखिए, ये प्रेमादी आई है वहां से जोर में, कि प्रेमादी कह के आई है वहां से कि ढोलकी दो हमको भी। हाँ यार, हमको क्या समझते है ये? ये देखिए जोर में आ गई है प्रेमादी बहुत। देखिए अब हमारे बखाई के लिए भी होगा एक ढोलक और चिमटा, अब पंचायत वाला लाना नहीं पड़ेगा। ये देखिए अभी आने वाला है, फिर दिखाती हूँ आपको कैसा ढोलक मिला हमें आज।
आ गया है हमारे महिला मंगल दल का ढोलक और चिमटा। ये देखिए अभी हम आप बोजियो लेके आ रहे हैं, बोजी लोग। हम आपको दिखाएंगे कैसा ढोलक मिला है, मैं बजा के दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, ये है चिमटा, महिला मंगल दल से मिला है जो सामान उसमें। ये डबली मजीरा, और ये क्या है बजाने वाला, और एक है ढोलक। इतनी चीजें मिली है हमें आज महिला मंगल दल के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद महिला मंगल दल का, जो हमारे भाई के लिए उन्होंने इतना कुछ किया। महिला मंगल दल के ढोलक की ओपनिंग अनबॉक्सिंग हो रही है। देखिए इसमें एक ढबली है और एक ढोलक है। एक साल बाद आ रहा है ये सामान। ये देखिए अनबॉक्सिंग चल रही है यहाँ पे। और एक चिमटा है और ये ढोलक आया है, वो ढबली आई है, वो चिमटा। वीडियो में मैंने आपको दिखाया, हमारे सब मेहमान चले गए हैं और घर में आज सुनसानी हो रही है। सबको याद आ रही है सबकी, हम लोग अब फिर से उतने ही लोग हो गए हैं। अभी बीच में चहल पहल हो रही थी शादी की वजह से, तो अच्छा लग रहा था। आज थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन कल फिर से रूपू भी आने वाली है तो थोड़ा खुशी भी हो रही है। तो आज मैंने आपको दिखाया मेहमान कैसे जा रहे थे, कितना मतलब सब उदास हो रहे थे। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ महिला मंगल दल वालों ने हमारे गांव के लिए, हमारे भाई के लिए ढोलक मजीरा दिया है, वो भी मम्मी लोगों की जीत करने पे ना। क्योंकि हर ग्राम सभा में एक एक मिला था, तो ऐसा होता था कि हमारी ग्राम सभा बहुत बड़ी है, हमारा मटेना गांव काफ़ी बड़ा है, तो इसमें ये होता था कि अब एक ग्राम सभा के लिए एक ही ढोलक मजीरा मिलेगा। तो अब हर बखाई अलग अलग हुई, तो उसमें ये होता है कि अगर नीचे वालों के वहाँ प्रोग्राम होंगे दूसरी जगह वालों के वहाँ, तो हम लोगों के वहाँ भी वही उसी दिन प्रोग्राम होंगे, तो हमको नहीं मिल पाता था। तो हमने उनसे बोला था कि आप लोग उनसे बोलना कि हम लोगों के लिए भी एक दो, क्योंकि हमारे प्रोग्राम अलग होते हैं, उन लोगों के अलग होते हैं। तो इसलिए उन्होंने आज वहाँ पर बोला ऐसा, तो हम लोगों को भी एक ढोलक मजीरा और चिमटा आदि मिल गया। अब अच्छा हो गया हम लोगों को। हम लोग जो ढोलक बजाते थे वो हमारे वहाँ के पंचायत का था, पंचायती मतलब पंचायती हुआ, तो उसमें क्या होता था आदमी लोग भी उसे बजाते थे। तो होलियों में हमको ज़्यादा दिक्कत आती थी, क्योंकि आदमी लोग ले जाते थे उसे बजाने के लिए, तो औरतों के पास फिर हम लोगों को अपने घर से लेना पड़ता था, जिसके पास नहीं होता था तो उसके वहाँ बहुत दिक्कत आती थी। तो इसलिए आज हमको वो ढोलक भी मिल गया और बहुत अच्छा लग रहा है। अब सही हो गया, हमारे कीर्तन मंडली अच्छे से जमेगी। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, एक बात और कहना चाहती हूँ, जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं और उन्होंने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी मैं आपको और भी अच्छी अच्छी जितना मेरे से हो सकेगा मैं सारी वीडियो सारे ब्लॉग्स शेयर करूँगी आपके साथ। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और लाइक कमेंट शेयर तो आप करें ही करें। फिर मिलूँगी मैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय।